नमस्कार। पेट से गैस निकलना या शौच के द्वार से गैस निकलना, ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कोई एपिडेमिक है। और उसमें होता क्या है कि जब गैस निकलती है, बहुत ज़्यादा गैस निकलती है, तो उससे अच्छा लगता नहीं है। समझो उसकी बड़ी ज़ोर से आवाज़ होती है तो शर्मिंदा महसूस करते हैं हम। आवाज़ नहीं होती, उसको बहुत खराब बास आता है, तभी हमको शर्मिंदा लगता है। और सब लोग बोलते हैं कहाँ से बास आई, कहाँ से बास आई, मतलब बहुत अच्छा लगता नहीं है। और क्लोज रूम में है तो, मगर है तो कॉमन ही है। कभी कभी गैस यदि निकलता नहीं तो पेट फूल जाता है गैस से, और फिर उससे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है, बेचैनी हो जाती है। एक बार गैस निकल गया ना, ढकार से भी गैस निकल गया तो भी अच्छा है, और शौच द्वार से भी गैस निकल गया तो अच्छा ऐसा लगता है। तो ये गैस निकलना बहुत ही आम है, मतलब कोई ऐसा कोई गलत नहीं है उसमें। मतलब हर व्यक्ति कम से कम आधा लीटर से डेढ़ लीटर गैस रोज पास करता है। और ये गैस में होता क्या है, ये गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन ये रहते हैं। और जब इसमें ये गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, जो बैक्टीरिया से निकलता है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो बहुत बेकार बास आती है उसकी, बहुत ही बुरी बास आती है हाइड्रोजन सल्फाइड रहा तो। जब हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है तो बुरी बास नहीं आएंगे। अच्छा, जब ये जोर से बाहर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है गैस का, और गुदा द्वार जो है वो छोटा सा है और बहुत ज़्यादा गैस है, अब प्रेशर से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर से, तो उसमें आवाज़ आती है जिसको बोलते हैं फार्ट। एक व्यक्ति जब आधा लीटर से डेढ़ लीटर गैस पास करता है रोज, और एवरेज में स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि 14 बार प्रतिदिन एक व्यक्ति गैस पास करता है, मतलब कितना कॉमन प्रॉब्लम है कि, मतलब शर्माने की बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है ये। सिर्फ आवाज़ जब करता है तब, और बांस आती है तब, अपने को और खुद को भी और बाकी लोगों को भी बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। ये कॉमन जो प्रक्रिया है, तो फिर इसमें शर्माने की क्या बात है। सिर्फ अपने को देखना है कि भाई कम से कम गैस हमारा कैसा निकले, और बिना आवाज़ का और बिना बांस का कैसा निकले। तो गैस को रोकना नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ज़्यादा फाइबर आप खाते हैं, मतलब ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ फूड जब खाते हैं, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा, तो फाइबर, तो ज़्यादा फाइबर भी नहीं खाने का है। और पाचन तंत्र पर तनाव वाली जो आइटम्स है, जैसे शुगर, प्रोटीन, पनीर, नॉनवेज, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बास आती है। तेज़ी से खाना, बहुत ज़्यादा फास्ट खाना पीना किया तो उसमें गैस अंदर जाती है, मतलब हवा अंदर जाती है जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाते पीते हो तो। और गट में, मतलब अपने आंत में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तब उससे भी ज़्यादा गैस बनती है। तो यह गैस बनने के कारण है। गैस निकल गया तो अच्छा है, पर अभी गैस हो गई बहुत ज़्यादा और पेट बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि भाई ये बहुत ही असुविधा हो रही है, रेस्टलेसनेस है, या बहुत ज़्यादा गैस निकल रही है, तो लोग बोलते हैं तुरंत बताओ क्या करना है। तो कुछ तुरंत बातें मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक जो है, आप यदि अदरक पीस के यदि वैसे खा लेते हो तो उससे गैस तुरंत रिलीव हो सकता है। अदरक, या सभी तरह लोग बोलते हैं कि जिंजर, जिंजर के टुकड़े लो पीसो, या एकदम बारीक टुकड़े करके खा लो और पानी पी लो, पहला। नंबर दो, छाछ पीना, यदि आप छाछ पी लेते हैं तो गैस जल्दी निकल जाती है। नंबर तीन है पेपर मिंट, यदि पेपर मिंट आप खाते हैं तो उसमें भी गैस जल्दी निकल जाती है। नंबर चार, केला बनाना। अब केला, केले में है ना बहुत ज़्यादा विटामिन वगैरह है, और केला आप खाते हैं तो गैस में बहुत फर्क पड़ जाता है। नंबर पाँच, लवंग, लवंग खाते हैं तो लवंग, आप लवंग के टुकड़े खा सकते हैं, लवंग के टुकड़े खाने से भी गैस पास होने में मदद हो जाती है। नंबर छः, जीरे का पानी, अब जीरा डाल के पानी पीते हैं तो उसमें भी पास हो जाती है गैस। नंबर सात, दालचीनी, दालचीनी अपने घर में रहती है, उसका उपयोग इस्तेमाल मसाले में होते रहता है, दालचीनी आप थोड़ी खाओ और पानी पी लो तो हो जाता है। नंबर आठ, पपीता आप खा लेते हैं, पपीता, उससे भी गैस जल्दी निकल जाती है। नंबर नौ, गर्म पानी, अब गर्म पानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, गर्म पानी से मतलब पेट साफ होने में, इंटेस्टिनल मूवमेंट जो है आगे आगे अनाज धकेलना, डाइजेशन उसमें फ़ायदा होता है, तो गर्म पानी, और उसमें तुलसी के दो पन्ने यदि ऐड किए अपन ने तो उससे भी गैस जल्दी निकलने में फ़ायदा होता है। नंबर दस, सेकना, पेट सेकना, ऐसा बाहर से यदि सेकते हैं हीट पैड से तो उसमें फ़ायदा हो जाता है। नंबर ग्यारह, मसाज करना, धीरे 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 पेट को मसाज करना। नंबर बारह, बहुत ही फायदेमंद, आप खाने का सोडा जो रहता है कॉस्टिक सोडा, वो एक आधा चम्मच, छोटा चम्मच जो है वो लेते हैं, एक ग्लास पानी लेते हैं उसमें डाल देते हैं और पी लेते हैं, तो उसमें क्या है, डबल फायदा, एसिडिटी कम हो जाती है और गैस
पास होने में बहुत मदद होती है। तो ये यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपके गैसेस कम हो जाएंगे, और खाने पीने में यदि आप ज़्यादा हार्ड फूड नहीं खाते हैं तो फ़ायदा होता है। यदि बहुत ज़्यादा गैसेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा और बड़ा और महत्व का कारण जो है वो है स्ट्रेस, तनाव, और वो तनाव जो है वो आपको गैसेस ज़्यादा देता है। तो स्ट्रेस कम कैसे करना, तो वो स्ट्रेस कम करने के बहुत सारे नुस्खे मैंने मेरे अलग अलग वीडियोज़ में बताए, तो आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं, और उसमें स्ट्रेस कम करें तो गैसेस कम हो जाएंगे। गैस का और एक प्रॉब्लम ये है कि यंग लड़कों में यदि वो गैस पास करते हैं और वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में है, अपने होने वाली बीबी के साथ में है, या नई नई शादी हुई और आप गैस पास कर रहे हो, तो बहुत ही एम्बेरसिंग होता है, शर्मिला होता है, तो और उससे फिर संबंध भी खराब हो जाते हैं। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि वो संबंध करते रहते हैं, सेक्स है, और बेड पर सेक्स करने के समय गैस निकलती है, और उसकी गंदगी यदि गंदी बांस आई तो वो भी वातावरण बहुत ख़राब कर लेता है। तो इसके लिए जब आप बेड पर जाते हो, सेक्स करने के लिए जाते हो, तो डेफिनेटली आपने ये देखना है कि जो मैंने तुरंत बताया है नुस्खे, तो वो करके ही बेड पर जाना है, ताकि आपको गैस का प्रॉब्लम बेड पर ना आए। आपने इसका इसमें का कौन सा रास्ता अपनाया, कौन सा उपचार किया, वो आप ज़रूर चैट बॉक्स में डालिएगा, ताकि मुझे मालूम पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कौन से चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा हो गया। यदि आपको बहुत ज़्यादा गैसेस के प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, इरिटेबल बाउल है, तो IBS का मतलब, तो ज़रूर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा कॉन्टैक्ट कनेक्शन जो है वो मन की स्थिति से है। पेट विकार का मानसिक कनेक्शन, यह वीडियो मेरा बहुत ही पॉपुलर है, आप वो भी देख सकते हैं। और पेट का और दिमाग का इतना डायरेक्ट कनेक्शन है कि आप दिमाग शांत करते हैं ना तो पेट ठीक हो जाएगा। तो ज़रूर आप हमें संपर्क कर सकते हैं यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। नीचे नंबर दिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। थैंक यू वेरी मच।